चीन में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। चीन में अब तक लगभग 77,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 2600 के करीब पहुंच गई है। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया के कई देशों में फैल चुका है और ये एक भयानक रूप ले चुका है। बता दें कि दुनिया भर में 79,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और अब तेजी से चीन के बाहर मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। ईरान में कोरोना से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ईरान में मात्र 28 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है और यही ईरान के लिए संकट की बात है कि यहां पर अब तक मात्र 28 लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन पीड़ितों की इतनी छोटी संख्या के बावजूद भी 8 लोगों की मौत हो जाना ये चिंता का विषय है। ईरान के 4 शहरों में इस बीमारी से पीड़ित लोगों का इलाज किया जा रहा है। इसमें ईरान की राजधानी तेहरान भी शामिल है। इसके अलावा कोम, अर्क और रस्त में भी मरीजों का इलाज चल रहा है। एहतियात के तौर पर 14 प्रांतों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बात दक्षिण कोरिया की करें तो यहां भी कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। यहां पिछले 4 दिनों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में 8 गुना बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को 161 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। इस तरह वहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 763 हो गई है। वहां बहुत तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। इटली में भी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इटली में अब तक कोरोना वायरस से 152 लोग संक्रमित हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस बीमारी से हांगकांग में 2 लोग, जापान के क्रूज पर 4, ताइवान में 1, फ्रांस में 1, फिलीपींस में 1 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। इन आंकड़ों से आप देख सकते हैं कि पूरे दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर कितना तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए आप भी सावधान रहे और इस बीमारी के लिए एहतियात बरतें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।